नालागढ़ में लोग आवारा पशुओं से काफी परेशान हैं। नालागढ़ में आवारा पशुओं का आतंक इतना बढ़ गया है कि अब लोगों का आना जाना भी मुश्किल हो गया है। ऐसा ही एक मामला देर रात को सामने आया, जब एचआरटीसी बस का परिचालक बस में चढ़ने लगा तो उसे आवारा सांड ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इससे बस का परिचालक बुरी तरह से घायल हो गया। घायल परिचालक को स्थानीय लोगों की सहायता से नालागढ़ हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। नालागढ़ हॉस्पिटल के डॉक्टर ने जानकारी देते हुए कहा कि रात को उनके पास एचआरटीसी बस परिचालक को कुछ लोगों द्वारा लाया गया है, जिसको सांड द्वारा टक्कर मारी गई है और उसकी पीठ पर चोटें आई है। सर, एक ये ताराचंद जी हैं जिनको सांड ने हिट किया है, तो अभी क्या पोजीशन है उनकी? अभी तो स्टेबल है, उनको पीठ में चोट आई है काफ़ी, सांड के ऐसा लग रहा है कि सींग से काफ़ी चोट आई है छाती में। अच्छा, तो अभी एक्सरे करवा के देखते हैं, फ्रैक्चर ना हो। तो मतलब ये ट्रीटमेंट यहीं हो जाएगा या कहीं? अभी एक्सरे की रिपोर्ट आके उसको देखते हैं, अगर फ्रैक्चर वगैरह हुआ तो फिर थोड़ा देखना पड़ेगा, अदरवाइज यहीं ट्रीटमेंट। तो कितने की चोट लगी है इनको? पता नहीं, पीठ में जा रही है, पीठ में गोड़े में, पीठ में दर्द हो रही है, पीठ में दर्द हो रही है। चार बार ही तो आप कुछ कहना चाहेंगे कि भी ये इतने जो मतलब ये तो हमारा पशु तो कोई रोक दे, इनको सारा दिन देख लो, सवेरे दो ढाई बजे से लगे पीड़ने, तो कभी इसी दो आ जाते, कभी दो चल जाते, कोई देखता नहीं। एक तो यार सारा दिन बाइक बस स्टैंड पर है पड़ा, बाइक और गाड़ी को बस मोड़ने की बड़ी दिक्कत, बस से लग जाती अंदर, और बारह पशु बाइक के दिन में देखना आपने आ गया क्या क्या हालत है, बहुत बुरा हाल है। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट। धीरे धीरे उधर दिखाओ।